हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग 15 अगस्त का फोटो एडिटिंग करना चाहते हैं अपने पिक्सआर्ट के अंदर, तो लेट स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, ये जो फोटो है मैंने पिक्सआर्ट के अंदर क्रॉप कर लिया ड्रॉ टूल के अंदर। अगर आप लोगों को नहीं आता तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा आप लोग को वीडियो। और ये जो है ब्लैंक बैकग्राउंड है वाइट का 4x5 का, तो इसकी डिटेलिंग आप लोग देख सकते हो 4000x5000, यानी कि इंस्टाग्राम का परफेक्ट फ्रेम साइज़ है। तो इसको करना है आप लोग को पिक्सआर्ट के अंदर शेयर। जैसे कि शेयर कर लोगे तो आप लोग को चले जाना है यहाँ से सिंपली ड्रॉ टूल के अंदर। और जैसे कि ड्रॉ टूल में आप लोग चले जाओगे, यहाँ से आप लोग को राइट साइड से लेयर पैनल को ऑन करके एम्प्टी लेयर से ऐड फोटो कर लेना है। और जो आप लोग फोटो क्रॉप करोगे वो आप लोग कुछ इस हिसाब से खिंचा लेना, चाहे लड़का हो या लड़की हो, मतलब कोई भी ऐसा टाइप का खिंचा सकता है। और इसमें जो कॉम्बिनेशन है एडिटिंग का वो काफ़ी अच्छा लगेगा। जैसे कि आप लोग को पता है कि दुआ मांगते वक्त पूरा इंडियन का ड्रेस पहनना काफ़ी अच्छा लगेगा। तो जैसे कि ये डन हो जाएगा, यहाँ से ऐड फोटो कर लेना है लेयर को नीचे रख के। और ये जो मॉस्क्यू का आप लोग को बैकग्राउंड है ये मिल जाएगा, ये आप लोग को नीचे की तरफ से ऐसा सेट कर लेना, ऊपर की तरफ से आप लोग को ट्रांसफॉर्म करके बड़ा कर लेना है। जैसे आप लोग बड़ा कर लोगे ये बैकग्राउंड, मतलब इसमें आप लोग देख सकते हो काफ़ी जम रहा है, तो मॉडल को आप लोग को कर लेना है डिलीट और बैकग्राउंड को कर लेना है वाइट बैकग्राउंड के साथ मर्ज। तो यहाँ से हम लोग राइट कर लेंगे। राइट करने के बाद यहाँ से चले जाना है आप लोग को टूल्स के अंदर, यहाँ से एडजस्टमेंट कर लेना है आप लोग के फ़ोटो के हिसाब से। मतलब जितनी फ़ोटो आप लोग की ब्राइटनेस रहेगी उतनी ही आप लोग को बैकग्राउंड की जो ब्राइटनेस है एडजस्टमेंट, मतलब उस हिसाब से कर लेना है। ये चीज़ का आप लोग को ध्यान रखना है कि आप लोग इसकी जो शेडो होती है, हाईलाइट होती है, ये सब को आप लोग थोड़ा सा बढ़ा ले आगे की तरफ, ताकि जो बैकग्राउंड का जो ऊपर का जो स्काई का जो व्यू है वो थोड़ा सा मतलब वाइट टाइप का हो जाए, ताकि जब हम लोग स्मोक ऐड करेंगे उसमें तो प्रॉपर दिखना चाहिए। फिर आप लोग को इरेज कर देना है नीचे का जो फ्लोर है, ताकि थोड़ा वहाँ पे डार्क हो जाए और ताकि हम लोग मतलब उसमें शेडो कवर कर सके, क्योंकि जैसा आप लोग खिंचाओगे वैसा मतलब उसमें परफेक्ट बैठना चाहिए। तो जैसे कि आप लोग खिंचा लोगे तो यहाँ से आप लोग थोड़ा सा जो है ओपेसिटी को बढ़ा करके नीचे की तरफ से जो एडजस्टमेंट है लाइट की, थोड़ी सी आप लोग वाइट कर सकते हो। और जैसे कि आपके अपने हिसाब से जैसे कि एडजस्टमेंट हो जाएगा, आपको यहाँ से राइट कर लेना है। राइट करने के बाद वापस से आप लोग को चले जाना है ड्रॉ टूल के अंदर। ड्रॉ टूल में जाने के बाद यहाँ से वापस से आप लोग को लेयर पैनल ऑन करके एम्प्टी लेयर से ऐड फोटो कर लेना है। और जैसे कि आप लोग ऐड फोटो कर लोगे वो वापस से आप लोग को 4x5 के इसमें सेट कर लेना है। और जैसे कि आप लोग सेट कर लोगे, ज़्यादा बड़ा भी आप लोग को रखना नहीं है, जैसे कि मीडियम आप लोग को रखना है। जैसे ये बराबर हो जाएगा वापस से आप लोग को एम्प्टी लेयर नीचे ले लेना है मॉडल के, यहाँ से ऐड फोटो करके ये आप लोग को PNG मिल जाएगी। जैसे कि आप लोग को पता है कि एयरफोर्स जो उड़ता है हवा में, तो उसको आप लोग को नॉर्मल रखना है लेयर को नॉर्मल रख के थोड़ा सा आप लोग को रोटेट कर लेना है डिग्री में। और जैसे कि आप लोग थोड़ा सा रोटेट कर लोगे यानी कि राइट साइड में, और उसको थोड़ा सा पिंच करके बड़ा कर लेना। और जैसे कि आप लोग पिंच करके बड़ा कर लोगे उसको, फिर ये जैसे कि सेट हो जाएगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो रेड का रेड में कॉम्बिनेशन, ग्रीन का ग्रीन में और वाइट का वाइट में, तो ये एकदम काफ़ी अच्छा लगेगा। तो ये जैसे कि आप लोग सेट कर लोगे, फिर आप लोग को इरेज करना है, यानी कि जो एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है वो आप लोग को इरेज कर लेना है। तो ये आप लोग को फेड वाला ब्रश यूज़ करना है, साइज़ को पूरा बड़ा कर लेना आप लोग, और अपने हिसाब से यहाँ से जो है हल्का हल्का करके आप लोग इरेज करते हुए चले जाना। और ये जो वाइट कलर का जो बॉर्डर है आप लोग देख सकते हो, ये प्रॉपर मतलब कट नहीं हुआ था, तो ये आप लोग को हल्का हल्का करके इरेज कर देना है। जैसे कि स्मोक है, आप लोग को पता है कि स्काई के ऊपर जैसे कि ब्लू स्काई है, तो आप लोग को उतना थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। तो यहाँ पे से जो है मैं हल्का हल्का करके रिमूव कर देता हूँ। तो ये आप लोग को जो बीच का पार्ट है उसको आप लोग को इरेज नहीं करना है। जो यहाँ पे ग्रीन कलर का पार्ट दिख रहा है आपको, रेड कलर का जो बॉर्डर का पार्ट दिख रहा था, वो आप लोग को खाली हल्का हल्का करके इरेज करते हुए चले जाना है। और जैसे कि ये इरेज हो जाएगा तो ये कर लेना आप लोग को डन यहाँ से। तभी आप लोग देख सकते हो एकदम प्रॉपर लग रहा है अभी। तो जैसे कि ये डन हो जाएगा तो आप लोग को जो फ्लैग था, वो जो हमारा स्मोक था, स्मोक को आप लोग को मर्ज कर लेना है। फिर यहाँ से और एक आप लोग को एम्प्टी लेयर ले लेना है, मॉडल को भी मर्ज कर सकते हो आप लोग। और दो एम्प्टी लेयर मैंने यहाँ से ले लिया, तो एक एम्प्टी लेयर पे मैंने एक लेंस फ्लेयर लिया है वाइट कलर का, तो यहाँ पे आप लोग रिफ्लेक्ट के लिए यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप लोग लेफ्ट साइड के मॉस्क्यू के यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट डाल सकते हो, या तो आपके मॉडल के यहाँ पे बाजू में ऐसा रिफ्लेक्ट डाल सकते हो, या तो आप लोग थोड़ा सा बड़ा करके हल्का सा जो है शाइन इफेक्ट डाल सकते हो। तो यहाँ पे भी आप लोग मतलब राइट साइड में डाल सकते हो, या तो ऊपर आप लोग डाल सकते हो हाईलाइट के लिए, जैसे कि मतलब एयरफोर्स का जो है वो यहाँ पे दिखे। तो ये जो मैंने लेंस फ्लेयर है ये मैं राइट के साइड में रख लेता हूँ, क्योंकि राइट साइड का पोर्शन जो है उतना मतलब काफ़ी बड़ा नहीं है। तो यहाँ पे मैं यूज़ करके इसको कर लेता हूँ टैप, और जैसे कि ये टैप हो जाएगा आप लोग देख सकते हो, तो यहाँ से जो है मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और इसको मर्ज कर देता हूँ। मर्ज करने के बाद और एक आप लोग को एक एम्प्टी लेयर ऐड कर लेना है ऊपर की तरफ से, फिर यहाँ से एक ऐड फोटो कर लेना है। और ये जो कबूतर का जो है आप लोग को पता है कि मतलब
मस्जिद है तो वहाँ पे मतलब कबूतर के मतलब PNGs काफ़ी अच्छे लगते हैं, तो इसको हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं और इसको भी कर लेते हैं मर्ज। और एक हम लोग को इंटीरियर लेके ऐड फोटो करना है। अब यहाँ पे काफ़ी सारे आप लोग को टेक्स्ट मिल जाएंगे तो आप अपने हिसाब से जो है यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मतलब ताजमहल का और मॉस्क्यू जैसा है, तो इसके लिए मैं ये टेक्स्ट वाला ऐड कर लिया। तो जैसे कि ये टेक्स्ट यहाँ पे मैंने ऐड किया, तो इसको ट्रांसफॉर्म करके मैं नीचे कर लेता हूँ ताकि ये नीचे की तरफ से काफ़ी अच्छा लगे। तो ये कॉम्बिनेशन आप लोग देख रहे हो कि मतलब तिरंगा ही तिरंगा पूरा काफ़ी अच्छा लग रहा है। और 15 अगस्त के लिए फ़ोटो काफ़ी बेस्ट है और काफ़ी इजी है। इसमें मतलब आप लोग को पोज भी मतलब नॉर्मली देना, आप लोग नॉर्मल कपड़े पे भी खिंचा सकते हो। और इमेज को सेव कर लेते गाइस, ये PicsArt के अंदर आप लोग देख सकते हो कि ये PicsArt के अंदर ही पूरा एडिट किया हुआ है। अब इसके अंदर हम लोग थोड़ा बहुत बेसिक कलर एडजस्टमेंट करने वाले हैं, तो उसके लिए मैं शेयर करने वाला हूं इसको Lightroom के अंदर। बाकी फ़ोटो काफ़ी बढ़िया बनी है, तो इसको कर लेते हैं Lightroom के अंदर शेयर और आ जाते हैं Lightroom के अंदर। तो जैसे कि गाइज हम लोग Lightroom के अंदर आ चुके हैं, यहाँ पे आप लोग ऑटो इफेक्ट यूज़ कर सकते हो। ऑटो इफेक्ट में काफ़ी डार्क आप लोग को देखने मिलेगा सब्जेक्ट, फिर आप लोग को यहाँ से एक्सपोजर बढ़ा लेना है Lightroom के अंदर, और यहाँ से आप लोग को कॉन्ट्रास्ट को माइनस में रखना है। जैसे कि आप लोग की जो इमेज है वो काफ़ी स्मूथ दिखेगी कॉन्ट्रास्ट को माइनस रखने पर। आप लोग हाईलाइट को इसमें थोड़ा सा कम कर देना ताकि, क्योंकि मॉस्क्यू का जो पीछे का जो पोर्शन है वो पूरा आप लोग को बैकग्राउंड में काफ़ी अच्छा दिखे। और यहाँ से जो शेडो है आप लोग को थोड़ा सा 10-15 के बीच में रख लेना है। और ये जो वाइटनेस है, वाइटनेस को आप लोग जितना कम करोगे पीछे का जो वाइट लाइट है वो कम हो जाएगा। और यहाँ से मैं ब्लैक को भी थोड़ा सा माइनस में कर लेता हूँ, यानी कि मुझे यहाँ पे काफ़ी वाइट और काफ़ी ब्राइट बैकग्राउंड दिखाना है ताकि ये मतलब काफ़ी अच्छा लगे। और यहाँ से मैं जो है ब्लू की जो स्काई की जो ब्लू टोन थी उसको मैं ह्यू को थोड़ा सा माइनस में कर लेता हूँ। और यहाँ से ग्रीन को मैं थोड़ा सा सैचुरेशन बढ़ा लेता हूँ ताकि वो कलरफुल दिखे। और यहाँ से मैं ल्यूमिनेंस को भी थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, यानी कि 5% मैंने कर दिया यहाँ से। और यहाँ से आप लोगों को क्या करना है, क्लैरिटी को बढ़ा लेना है इमेज की। और आप लोगों को जैसे कि पता है, मैंने बता दो हर वीडियो में कि आप लोगों को इमेज की शार्पनिंग जो है एटलीस्ट 20 तक तो आप लोगों को रखना है। अभी आप लोग देख सकते हो कि फ़ोटो रेडी हो चुकी है, तो यहाँ से गाइस फ़ोटो को सेव कर लेते हैं। और यहाँ से फ़ोटो हो चुकी है रेडी। तो गाइस आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं होते गाइस सब्सक्राइब कर देना, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना। तब तक के लिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।